आप सभी YouTube फैमिली को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो YouTube फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये कल का ब्लॉग है, देखिए मैंने यहाँ पे दीपावली के लिए सभी पूजा की सामग्री को एक जगह पर एकत्रित कर लिया है और अब मैं यहाँ पे खाना बनाने चली गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों में कढ़ी वढ़ी चावल बनता है, तो मैंने यहाँ पे कढ़ी वढ़ी बना ली है और भी कुछ सब्जी बनाई है जो कि मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी लास्ट में वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे आसन विराजमान करके मैंने लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा निकाल ली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद गंगा जल से मैं इन लोग स्नान करवा दूंगी लक्ष्मी गणेश को, क्योंकि बाहर से मैं लाई हूँ। तो लक्ष्मी गणेश को स्नान करवाने के बाद पहुँच के उन्हें वस्त्र धारण करवा दिया है लक्ष्मी गणेश को। उसके बाद मैं यहाँ माँ लक्ष्मी को सिंदूर का टीका लगा रही हूँ, गणेश जी को भी चंदन का टीका लगाऊंगी। आप लोग ब्लॉग में देखें, मुझे जितना आता है उतना ही मैं पूजा करी हूँ और मेरे पति ही पूजा किए हैं। तो यहाँ पे मैं चुनरी भी दे देती हूँ लाल पीला, और जितना अच्छे से सजा पा रही हूँ सजा लेती हूँ। ये जो मैं चुकिया लेके आई हूँ जो एक साल में मैं भरता है, तो इसे फोड़ देती हूँ। तो उसे भी गंगा जल से मैंने अच्छे से पोंछ के उसके बाद मैंने उसमें 5 टीका कर लिया है। गणेश जी को भी मैं यहाँ पे गमछा दे देती हूँ। देने के बाद उसके बाद एक प्लेट में मैं यहाँ पे धान निकाल रही हूँ। धान में थोड़ा सा फूल दे के इसमें मैं चौमुख का सरसों तेल का दीपक रखूँगी और उसी को वहाँ पर जलाऊँगी जब पूजा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर बगल में ही थोड़ा सा अरवा चावल से मैं यहाँ पे दे रही हूँ और ठीक बना दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं घी का दीपक जलाऊंगी। मैं इसी तरह से हर बार पूजा करती हूँ और आप लोग भी ब्लॉग में बने रहे। तो यहाँ पे मैंने घी फूल भी दे दिया है चावल पर और यहाँ पे दीपक भी रख देती हूँ। दीपक रखने के बाद जैसे भी हो रही है यहाँ पर प्रसाद रख देती हूँ और जो साल भर का धन पोटली होता है उसमें से मैंने कौड़ी सब निकाल लिया है, जो भी उसमें रहता है उसे भी अच्छे से गंगा जल से छिड़क लिया है, उन्हें भी उसे भी पूजा करूंगी। उसके बाद फिर धन पोटली बनाकर दूसरे दिन अपने अलमारी में रख दूंगी। तो अब मेरे पति देव आ गए हैं जो कि पूजा कर रहे हैं। ये पूजा जेंट्स ही करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पति देव पहले पूजा कर लेंगे। वो गंगा जल दे दिए हैं लक्ष्मी माता पार्वती मैया को। उसके बाद फूलों की माला भी गणेश जी को पहना दिए हैं, मैं लक्ष्मी जी को पहना दी हूँ फूलों की माला। उसके बाद यहाँ पे पान सुपारी और धनिया जो मैं खरीद के लाई थी वो धनिया भी रख देती हूँ। गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देते हैं उसे और फिर एक माला पहना रहे हैं। पहनाने के बाद फिर से फूल अच्छे से दे के उन्हें प्रसाद का भोग लगा देंगे। यहाँ पे माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित किए हैं, यहाँ पे हल्दी का गांठ भी अर्पित किए हैं। जैसे हम लोगों का आ रहा है, धीरे धीरे हम दोनों पति पत्नी एक एक करके पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ करने के बाद पूजा आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो यहाँ पे जो धन पोटली थी अब उसी की पूजा हो रही है, फूल, गंगा जल, सिंदूर और उसमें कुछ द्रव्य यानी कि पैसा 11 रुपया रखे थे और इसी तरह से हम लोग पूजा कर रहे हैं। अब पूजा हो गई है तो यहाँ पे माँ को दीपक आरती दिखा रहे हैं। उसके बाद जो धूप है धूप दिखा रहे हैं, धूप दिखा कर फिर से वो प्रणाम करके चले जाएंगे। तो अगर बैठेंगे बगल में तो फिर से मैं पूजा करूँगी, उसी तरह से मैं भी पूजा करती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पतिदेव प्रणाम कर लेते हैं। और चुकिया में देने का नियम आज से ही है, तो यहाँ पे चुकिया में वो अपने कुछ अच्छे से इसमें द्रव्य दे दिए थे, पैसे दे दिए थे बैंक में, फिर ये एक साल के बाद ही खोला जाएगा। तो इसीलिए इसमें साल भर इसमें से जमा होगा और पूजा के लिए निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हो गई है पूजा, तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं भी गंगा जल दे रही हूँ लक्ष्मी गणेश जी को और चुकिया में। उसके बाद सिंदूर का टीका लगा दूंगी फिर से लक्ष्मी जी गणेश जी को, जैसे हो रहा है फूल चढ़ा दूंगी, दिया जला दूंगी, दीपक दिखा दूंगी। सभी चीज़ करने के बाद जो किताब होता है लक्ष्मी जी गणेश जी का वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। मैं सभी चीज़ों में फूल चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि पहले ही पूजा हो चुका है। और लक्ष्मी जी का मेन प्रसाद यही होता है कि एक पान के पत्ते में शहद का भोग, जो कि लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय भोग है, तो मैं उसे अर्पित कर रही हूँ माँ लक्ष्मी जी को शहद के साथ पान के पत्ते पे। तो ये सबसे बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैं धूप दिखा रही हूँ, दिया दिखा दूँगी अच्छे से। पूजा होने के बाद फिर दोनों बच्चे भी पूजा करेंगे इसमें। तो यहाँ पर फिर से मैं दिखा रही हूँ, आरती भी दिखा रही हूँ, धूप भी दिखा रही हूँ। तो दिखाने के बाद
तो मैं यहाँ पे अब गणेश जी लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ लेती हूँ। करने के बाद यहाँ पे बेटी ने भी पूजा कर लिया है, बेटी ने भी घंटी बजा दिया है, मैं भी दिखा घंटी बजा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे कपूर जला के आरती कर रहे हैं, पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी कर लेते हैं, बेटा बेटी सभी मिलके हम लोग चारों जने मिलके पूजा किए, माँ का आशीर्वाद लिए, गणेश भगवान का आशीर्वाद लिए कि सभी के घरों में सुख समृद्धि बने रहे। सभी ने अपने अपने घरों में पूजा किया, आज के दिन सभी को अच्छे से पूजा करें, सभी को अच्छे से वरदान दे। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश भगवान। देखिए मेरी मूर्ति कैसी लग रही है, जरूर कमेंट में बताइएगा। सभी जो प्रणाम कर लीजिए और अपना अपने आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद हम तीनों जने फिर छत पर चले जाते हैं, छत पर तुलसी मैया को फिर देने के लिए। तो यहाँ का देखिए छत का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, सब जगह रंग बिरंगे लाइट सभी के छतों में जल रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। आज तो सभी जगह दीपावली है, दीपावली उत्सव है। उसके बाद मैं तुलसी जी में भी पूजन कर लेती हूँ, दिया जला के अगरबत्ती जला के, उसके बाद फिर नीचे आके खाने पीने का तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे पूजन हो गया है, तो छत पर भी घूम लिए हम लोग, अच्छा लगा छत पर। जय तुलसी मैया की जय। फिर कुछ दिन के बाद तुलसी विवाह होगा छठ के बाद, वो भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए खाना लग चुका है, काबुली चना छोला का सब्जी, कढ़ी चावल और मिठाई में रसगुल्ला है, तो आज का यही है। और यहाँ पे प्याज के पकौड़े हैं, तो हम लोग के हाँ यही बनता है आज के दिन, तो हम लोगों ने आज के दिन यही बनाया है। तो खाना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज का वीडियो है सुबह का, तो यहाँ पे मैं आसन नहीं बिछाई थी, तो मैंने यहाँ पे आसन बिछा दी हूँ और सभी भगवान को फिर से विराजमान कर दी हूँ। पहले की जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, मैं पहले उनका पूजन कर लूँगी, उनके बाद ही उनको यहाँ से विसर्जन के लिए विदा करूँगी। और नीचे जो मैं रात में पूजन की थी, पहले फिर से मैं यहाँ पे पूजन कर रही हूँ, यहाँ पे जल दे के दीपक अगरबत्ती दिखा के पूजन करके फिर इनको स्थान पर अपना ग्रहण बैठा दूँगी अपने स्थान पर। तो पुराने वाले मूर्ति जी को मैं दो दिन के बाद फिर छठ स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी, तो वहाँ पे विसर्जन करवा दूँगी। देखिए मैं नए वाली मूर्ति को यहाँ पे विराजमान कर दी हूँ। मेरी मंदिर कैसी लग रही है, छोटा सा मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए लड्डू गोपाल का भी दर्शन करके राधे राधे कर लीजिए आप लोग, ज़रूर बताइएगा। जय लक्ष्मी मैया की जय। ब्लॉग कैसा लगा दीपावली ब्लॉग, ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। यूट्यूब फैमिली, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।